शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूनिट क्रमांक 5 के पुलिस उपायुक्त नीलोत्पल, इन्हें जानकारी मिली थी कि भंडारा से नागपुर में अवैध तरीके से रेत के ट्रकों की यातायात की जाती है। ऐसी जानकारी के आधार पर नाकाबंदी कर 4 ट्रकों को अवैध रेत यातायात करते समय पकड़ा गया, जिसे यशोधरा पुलिस थाने में जमा किया गया है। आगे की जांच शुरू है। आए दिन रेत तस्करी के मामले सामने आते हैं और सरेआम रेत की तस्करी भी की जाती है। ऐसा ही एक रेत तस्करी का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार परिमंडल 5 के पुलिस उपायुक्त नीलोत्पल, इन्हें भंडारा से नागपुर अवैध तरीके से रेत की तस्करी होने की जानकारी मिली थी। उसी के आधार पर परिमंडल 5 की टीम ने नाकाबंदी कर 4 ट्रकों को अवैध तरीके से रेत की यातायात करते समय धर दबोचा। परिमंडल क्रमांक 5 चे पुलिस उपायुक्त साहेब माननीय नीलोत्पल सर यांना माहिती मिळाली होती की भंडाऱ्यावरून नागपूर शहरामध्ये रेतीचे ट्रक अवैधरित्या वाहतूक करतात। त्याप्रमाणे त्या माहितीवरून माननीय नीलोत्पल सर यांनी आम्हाला सांगितले की कामठीवरून नागपूरकडे येणाऱ्या रोडवर उपलवाडीच्या आसपास आपण नाकाबंदी लावावी आणि जे ट्रक मिळतील अवैध रेती वाहतूक करणारे त्यांना पकडून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी। त्यानुसार आम्ही रात्री 10:30-10:30 दरम्यान उपलवाडी पुलियाच्या जवळ नाकाबंदी लावली आणि त्यामध्ये आम्हाला वाहतूक अवैधरित्या रेती वाहतूक करणारे 4 ट्रक मिळाले। त्या 4ही ट्रक आम्ही यशोधरा नगर पोलीस स्टेशनला घेऊन आलो। ते यशोधरा नगर पोलीस स्टेशनच्या आवारात लावले आणि माननीय तहसीलदार साहेबांना त्याबाबत सूचना दिली। तसेच आम्ही पुढील कारवाई करण्याकरता त्यांना अहवाल पाठवून दिलेला आहे आणि माननीय तहसीलदार साहेब त्याच्यावर पुढील कारवाई करत आहेत। पुलिस द्वारा 4 ट्रक को यशोधरा थाना में जमा किए गए। अब आगे की जांच यशोधरा पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।